हेलो दोस्तों, रेशम बुटीक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक जो लेडीज़ कुर्ती का दामन होता है पल्लू, उस पल्लू को हम किस तरह बनाएं। ये पल्लू हमें डिज़ाइन में पल्लू बनाना है, तो उसके लिए चाहिए हमें ये कपड़ा, और ये है डिज़ाइन के लिए कपड़ा, तो और हमें चाहिए थोड़े से ट्रायंगल। तो चलिए हम वीडियो अपने स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमने अपनी जो पट्टी काट रखी है, ये हमने काट रखी है 3 इंच चौड़ी, तो हमें इस पे निशान लगाना है बीच में 2.25 इंच इस प्रकार, और यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम निशान लगा लेंगे 2.25 इंच पे इस तरह से, और यहाँ पर हमें यहाँ पर भी 2.25 इंच पे लगा लेना है इस प्रकार। अब हम अपनी इस स्केल की मदद से इस पे निशान उठा लेंगे। इस तरह से अब हम इसको सीधा कट कर लेंगे बिल्कुल। ये हमने अपनी पट्टी सीधी कर ली है। सीधी करने के बाद अब हम अपनी मशीन पर चल के इस पट्टी को तैयार करते हैं। तो हम इस तरह से अपने जो हमने ये ट्रायंगल अपने बना रखे हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई है 2 इंच, तो फोल्ड कर करा के ये करीब इतने रह गए हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर इस कोने से और इस कोने को इस तरह मिला लेंगे। इसी प्रकार हम अपना दूसरा ट्रायंगल ये कोने से कोना मिला के और हमें इस पर लगा लेना है इस तरह। इसी तरह हम अपने सारे ट्रायंगल लगाते चले जाएंगे। इसी प्रकार आप कोने से कोना इसका मिला के और आप इसको लगाते चले जाइए। ये हमें अपने सारे ट्रायंगल इसमें लगा लिए हैं। ट्रायंगल लगाने के बाद हम इसको बिल्कुल अपने पट्टी के द्वारा इसको कट कर लेंगे सीधा साधा बिल्कुल। इतनी चौड़ी हमारी पट्टी है, पट्टी किनारे किनारे अपने फालतू ट्रायंगल है उन्हें काट देंगे इस प्रकार। अब हमें अपने दूसरे ट्रायंगल इसमें फिट करना है। अब हमें अपने ट्रायंगल इस हिसाब से फिट करना है कि ये जो हैं इसकी नोके हम आपको दिखा दें कि इसकी नोके यहाँ से मिलनी नहीं चाहिए, इनकी नोके इस दोनों खानों के बीच में आना चाहिए। तो ये हमें इस तरीके से इसमें लगाना है, ये आप इस खास तौर से ध्यान रख लें। इसी प्रकार आप इसको लगाते चलिए। ये देखिए कितना अच्छा इसमें एक डिज़ाइन बनता चला जा रहा है। हमने आपको ट्रायंगल की लंबाई चौड़ाई बता दी है, जो पूरे ओपन करके इसकी लंबाई चौड़ाई है 2 इंच चौड़े 2 इंच लंबे। इस तरह हम फोल्ड करके प्रेस से इसको इसे इस तरह अपने फोल्ड कर लेंगे और ऐसे लगाते चले जाएंगे। मैं आपको इसलिए पूरा दिखा रहा हूं कि ये किस तरीके से लगेंगे इसमें। ये हमारे ट्रायंगल लग चुके हैं। अब हमें इसमें इस तरह से उल्टा करके और इसको अपने इस अपने जो हमारे फालतू फालतू निकल रहे हैं इस पट्टी के बराबर से इसे कट कर लेंगे। इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। अब हमें इस पे प्रेस लगानी है और इसके नीचे पेपर फोम चिपकानी है। तो हम सबसे पहले ये हमारे कुर्ती का नीचे का पल्लू है, इसको हम इस तरह कच्चा लौट लेंगे
का। इसको पूरा इसी तरह हम लौट लेंगे। अब ये हमने इस पर पूरी सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद हमारी जो ये पट्टी है, जो हमने अपने दामन की पट्टी बना रखी है, इस पे हमें अपने एक पट्टी जो है लेस, इसको यूज करना है। तो वो हम किस तरह करेंगे, वो इस तरह ही हम अपने किनार पे लगाएंगे इस प्रकार। सबसे पहले हम अपना धागा चेंज कर लेते हैं। तो हम इसको अपने जो हमारी ये सिलाई है आप देखें, इस सिलाई से ही मिला के इसको इस तरह रखना है अपनी लेस को, और इस प्रकार हम इस पर सिलाई लगा लेंगे बहुत आराम से। इसको पूरा एक सा ऐसा ना हो कि छोटे बड़े हमारे ट्रायंगल देखें, एक सा दबा के हम इसे सिलाई लगा देना है इस प्रकार। तो इस तरह हम लगाते इसमें चले जाएंगे। यहाँ से हम अपनी फालतू लेस कट कर लेंगे इस प्रकार। फालतू लेस कट करने के बाद हमें अपना इस साइड में भी लेस लगाना है। इसको बिल्कुल मिला के इस तरह से और हम इसमें लगा लेंगे। इसी प्रकार हम अपनी पूरी लैस इसमें फिट कर लेंगे। ये हमारी लैस इसमें लग चुकी है। अब लैस लगने के बाद हम इसमें बढ़ती जो हमारी लैस है इसको इस तरह कट कर लेंगे। कट करने के बाद आप इसे देख लीजिए, नीचे हमने पेपर फॉर्म चिपका रखी है। आप चाहें तो इसे पहले चिपका भी सकते हैं और चाहें बाद में चिपका लें। इस तरह से हम इसको यहाँ कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हमें इसको अपनी कुर्ती पर चिपकाना है। अब हमें ये हमारी पल्लू है कुर्ती का, तो हमें इस तरह अपने पल्लू पे इस तरह रखना है इस प्रकार। तो हमें इस तरह आप एक चीज का खासतौर ध्यान रखिए कि इसके अंदर ये जो हमारे नीचे किनार है, इस किनार को ऐसा ना हो जाए, बिल्कुल किनार के ऊपर ही सिलाई लगना चाहिए इस प्रकार। और ये हमारी एक साइड की सिलाई लग चुकी है, और अब हमें दूसरी साइड की सिलाई इस पर लगा लेना है इस साइड में। नीचे से बिल्कुल इसको आप अपने दामन को साफ रखिए इस तरह, और बड़े फिनिशिंग के तौर इस तरह से आप इसको लगा लीजिए। नीचे इसके कोई झोल नहीं आना चाहिए, जो नीचे का हिस्सा है वो बिल्कुल साफ करें और तान के इस तरह कपड़ा खींच के रखिए इस तरह, और आप इसको लगा लीजिए सिलाई। क्योंकि साइडों की ये है खुले हुए मूंग, इस पर भी आप इस तरह लगा सकते हैं। और ये हम अपना फालतू कपड़ा जो हमारा है धागे वागे इस तरह हम कट कर लेंगे। अब आप देखिए ये हमारा दामन हो चुका है कंप्लीट। इसी प्रकार आप अपनी बाजू बनाएं और बाजू में भी ये डिजाइन डालें, और देखो पीछे से देखिए बिल्कुल एकदम बेहतरीन है, कोई कच्चा बच्चा नहीं है, ये अंडरग्राउंड एकदम पक्का हो चुका है। इसी तरह अब हमें इसमें अपनी मोतियों से सजावट करनी है, तो चलिए हम काउंटर पे आपको दिखाते हैं सजा के। तो ये हमारा हो गया। अब हम इस पे सबसे पहले इसकी उल्टी साइड से जो हमारी ये झोल वगैरह है इसको प्रेस से इस तरह निकाल लेंगे, और हमें अपने इस साइड में भी प्रेस कर लेना है, कि हमारे सिलाई के दौरान हो सकता है कहीं झोल हो तो ये ज़रा और साफ लगेगा। फिलहाल तो साफ है बिल्कुल, और साफ लगने लगेगा इस तरह से। देखो ये हो गया बिल्कुल कंप्लीट। अब हम इस पे अपने मोती लगाएंगे। ये है हमारे कुछ मोती, तो हम इसको अपने ट्यूब के मदद से या गिलू मशीन की मदद से इसको इस तरह चिपका देंगे। तो इस तरह हम इस पे अपने सजावट कर लेंगे। हम अपने इसकी गिलू मशीन के जरिए और या अपने ट्यूब के जरिए इस तरह चिपका लेंगे। फिलहाल मैं आपको रख के दिखा रहा हूँ बात को, इसको चिपकाना है। ये दामन हमारा बड़ा सुंदर लगने वाला है। इसी प्रकार आपको अपनी बाजू पे भी डिजाइन डालना है,
सेम डिज़ाइन इसकी बाजू पर ज़रूर डालना है आपको इस तरह से। तो दोस्तों हमारा ये डिज़ाइन हो चुका है कंप्लीट। आप देखिए इसका दामन कितना सुंदर लग रहा है इस कुर्ती का। इसी प्रकार आप अपनी बाजू पे डिज़ाइन बनाएंगे। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें जिससे हम कभी भी कोई भी वीडियो आपके लिए जो अपलोड करें तो सबसे पहले मिले आपको। धन्यवाद।